हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संध्या रतन किचन में और एक नई रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ तिलापिया मछली की रेसिपी, जो कि छोटे साइज की है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है छोटे साइज की तिलापिया मछली की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से कट करना स्टार्ट कर लेते हैं। एक कैंची लेना है और इसके पीठ के सारे कांटे को हम कट कर लेंगे, पूंछ को करेंगे बाद में कट, पहले साइड वाले जितने भी कांटे हैं सारे को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, पहले कांटा कट करें, उसके बाद ही हम इसके स्किन को कट करेंगे। कांटे बहुत नुकीले हैं इसी वजह से। तो इस तरीके से आप कैंची से भी कट कर सकते हैं, दराज से भी कट कर सकते हैं, या फिर आप बाजार से ही रेडीमेड कटवा के ला सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा हो बस उसी तरीके से मंगाएं और रेसिपी बनाएं मेरे तरीके से और एंजॉय करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आने पे एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। आप लोग देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और मैंने तिलापिया मछली की बहुत सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आप लोगों को उतना ही पसंद आएगी और इसे भी आप लोग उतना ही प्यार और सपोर्ट देंगे। तो देखिए, चम्मच की मदद से मैंने इसके सारे स्किन को कर लिया है साफ और इसके ऊपर के जो छिलके हैं वो हमने निकाल लिए हैं इस तरीके से। चम्मच की मदद से फटाफट से इजीली हो जाती है साफ। तो इस तरीके से हम कैंची लेंगे और इसके पेट में इस तरीके से चीरा लगा लेंगे ताकि इसके गंदगी को साफ कर ले। तो सिर के पास तक हमें कट कर लेना है, उसके बाद हम मूड़े को कट करेंगे और सारे गंदगी को निकालेंगे। जो जॉइंट है ना, मूड़े को कट करने के बाद ये जॉइंट हम आसानी से कट कर सकते हैं। तो आपको टाइटली पकड़ना है और इस तरीके से कट करना है, क्योंकि मछलियाँ जो हैं आमतौर पर बहुत ज़्यादा स्लिप करती है, इसलिए आपको टाइटली पकड़ना है अपने दोनों हाथों से और इस तरीके से कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम आखिरी के हिस्से को भी कट लगा लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे हम सफाई। तो देखिए, इस तरीके से सारे पेट की गंदगी को हम कर लेंगे साफ। तो छोटे छोटे इसमें अंडे भी हैं, तो फ्रेंड्स आप चाहो तो इसे इस्तेमाल में भी ले सकते हो, मैं नहीं ले रही हूँ इसे इस्तेमाल में। तो चलिए फटाफट से हम इसके पीसेस तैयार कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये छोटे साइज की मछली है, तो इसीलिए हम इसका बस तीन ही पीस करेंगे। आप चाहो तो इसे साबुत भी इंजॉय कर सकते हैं। तो सारे मछलियों को मैंने कट कर लिया है, अच्छे तरीके से सफाई से धो लिया है और देखिए कितना शाइनिंग कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको सफाई से धोना है। मछलियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा पानी से धोना पड़ता है, कई बार आपको धोना पड़ता है पानी चेंज कर करके। बस इसी तरीके से सफाई करनी है, नमक डाल देनी है, इसमें स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर डाल देनी है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हुए मैरिनेट करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा मछलियाँ जो है ज़्यादातर सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको जब भी मर्जी हो आप बनाएं और हेल्दी रहे और हेल्दी खाएं। ज़्यादा रिच खाने से हमारे तबीयत में होती है नुकसान। रिच खाना हम कभी कभार ही खाते हैं, पर मैं आप लोगों के साथ सिंपल तरीके से शेयर करती हूँ ताकि आप लोग हर रोज़ बनाएं और हर रोज़ इंजॉय करें। तो इस तरीके से सारे मछलियों को हम मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के बाद 5 मिनट छोड़ देना है, फ्राई पैन में कर लेना है तेल को अच्छे तरीके से गर्म और सारे मछलियों को हम एक एक करके इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें मछलियों को डाल देना है। तो फ्रेंड्स, फ्राई पैन में मछलियाँ जब हम फ्राई करते हैं तो इसमें आते हैं छींटे, तो आपको अच्छे तरीके से सावधानी से फ्राई करनी है। और अगर आप कढ़ाई में करते हैं तो कढ़ाई में उतनी ज़्यादा छींटे नहीं आती है, क्योंकि फ्राई पैन खुले होने के कारण इसमें ज़्यादा छींटे आती है, तो आपको सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो सारे पीसेस को मैंने डाल दिए, इस तरीके से पीसेस को हमें डाल देना है, फिर हम इसे पलट के फ्राई कर लेंगे। तो एक तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, तो दूसरे तरफ से भी हम साइड चेंज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, तो देखिएगा कि मैं मूड़े को कैसे फ्राई करती हूँ। मूड़ा फ्राई करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, वो आपको वीडियो में बने रहने के बाद ही पता चलेगा। तो सारे पीसेस को हम इस तरीके से चिमटे की मदद से पलट देंगे, तो देख सकते हैं कलर इसका एकदम क्रिस्पी ब्राउन हो चुका है। बस इसी तरीके से आपको मछलियाँ फ्राई करनी है, ताकि बनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। आप चाहो तो फ्राई किए हुए मछलियाँ भी इंजॉय कर सकते हो। इस तरीके से फ्राई करने के बाद ये जो मछलियाँ हैं लंबे टाइम तक चलती है, ख़राब नहीं होती है। गर्मी के दिन में हमें मछलियाँ थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई करनी होती है, ताकि ये लंबे टाइम तक चले और ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सारे साइड से मैंने फ्राई कर लिया है, तो जो पीसेस हो चुके हैं उसे हम निकाल लेंगे, फिर आखिर में हम बताएंगे कि मूड़े को कैसे फ्राई करना। तो देखिए, इस तरीके से हमें मूड़े को खड़े कर लेने हैं। इस तरीके से देखिए, इस नीचे वाले हिस्से को हमें
फ्राई कर लेने हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए जो पीसेस हैं हम पहले उसे निकाल लेते हैं और इस तरीके से मुड़े को हम खड़ा करके रखेंगे और निचले वाले हिस्से को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप मुड़े को फ्राई करते हैं तो मुड़ा जो है चारों तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई होगी और मुड़ा भी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा। अगर आप यूं ही मुड़े को फ्राई करते हैं दोनों साइड से तो निचले वाले हिस्से में फ्राई नहीं होती है, वो कच्चा ही रह जाता है। तो सारे मुड़े को मैंने निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स इसी फ्राई में हम कर लेंगे ग्रेवी की तैयारी। मछलियाँ फ्राई हो चुकी है तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं मसाले की तैयारी। तो देखिए एक मिक्सर का मैंने जार ले लिया है, उसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज का टमाटर, एक छोटे साइज का प्याज, एक इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 8 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है और एक प्याज मैंने इस तरीके से चॉप करके ले लिया है। तो मसाले को हम तैयार कर लेंगे एकदम फाइन पेस्ट। तो चलिए फटाफट से हम मसाले को पेस्ट बना लेते हैं। तो इसमें हमने 1 चम्मच और डालना है जीरा। तो जीरा डालने के बाद हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्राई पैन रेडी है हमारा, इसी में ही हम बनाएंगे ग्रेवी। तो चलिए तेल और डालने की ज़रूरत है नहीं तो हम इसमें लगा लेते हैं तड़का। तड़के के लिए मैंने लिया है 1/4 चम्मच जीरा। जीरा जब अच्छे तरीके से चटक जाए तब हम इसमें डाल देंगे। एक मैंने तेजपत्ता लिया है, इसको हम तोड़ के डालेंगे ताकि मसाला जो है हमें भुनने में आसानी हो। तो इस तरीके से हमें तेल को हिलाना है और जीरे को भी एक सुगंध आने तक हमें इसे पकाना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सारे चॉप किए हुए प्याज को। प्याज को डालने के बाद हम इसे चलाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि इसका जब तक कलर चेंज ना हो। फुल फ्लेम पे ही हमें इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए मिक्स करते हुए भून लेना है सारे प्याज को। इस दौरान हम गैस का फ्लेम फुल ही रखेंगे और इस तरीके से चलाते हुए कलर चेंज होने तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने तिलापिया मछली की रेसिपी बहुत तरीके से बनाई होंगी और खाई होंगी। मेरे इस तरीके से आप बना के देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो इस तरीके से आप जरूर से बनाइएगा। बीच बीच में प्याज को चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए सारे मसाले को। जार में डालेंगे थोड़ा सा पानी, उसको पानी को धोते हुए हम इसमें डाल देंगे ताकि मसाला जो है अच्छे तरीके से भुने और जार में जो मसाला है वो भी वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से हम पानी डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड्स तीखा आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करें, मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। सारे मसाले को डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे इसी तरीके से पकाएंगे। फिर हम 2 से 2.5 मिनट तक मसाले को ढक के पकाएंगे। तो फ्रेंड्स आप मसाले को जब तक वो ढक के ही पकाएं और मीडियम से लो फ्लेम पे पकाएं ताकि जो मसाले का कच्चापन है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाए। मसाला भूनेंगे जितना आप उतने ही अच्छी आपकी जो रेसिपी है वो बनके होगी तैयार। तो देखिए तेल जो है ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से हम बीच में चला देंगे ताकि मसाला जो है वो लगे नहीं। चलाने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक हम मसाले को और पकाएंगे। इस तरीके से मसलते हुए हम इसे पकाएंगे ताकि जो प्याज के कुछ अगर दाने हो तो वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो इस तरीके से हमें दबाते हुए स्पैचुला से मसाले को भूनना है ताकि प्याज भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए मसाले में। तो देखिए मसाला जो है भुन चुका है। तब हम इसमें डाल देते हैं ग्रेवी के लिए पानी। तो जितनी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से ग्रेवी के लिए पानी रखें। मैंने इसमें 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। पानी डालने के बाद हमें मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना रहे। तो अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस दौरान आप नमक तीखा ज़रूर से चेक कर लें। सारे ग्रेवी को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। मैंने 1 गिलास पानी लिया है तो जिसमें कि थोड़ा सा पानी अभी बच गया है, इतना ही हमें ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा हम इसमें ग्रेवी नहीं डालेंगे। तो ग्रेवी को उबाल आने के लिए हम रख देते हैं। तो देखिए फाइनल ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए सारे मछली। सारे मछलियों को हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमें ऐसे तरीके से मछली को जो है इसके अंदर तक डुबो देना है ताकि ग्रेवी का जो फ्लेवर है ना इसके अंदर तक पहुंचे। तो मछलियों को अच्छे से डुबो दें और इसे
हिलाते हुए दूसरे तरफ से साइड चेंज करते हुए इसे पकाएं। आखिर में इसे धनिया पत्ते से गार्निश करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। रेसिपी है पसंद आने पे एक लाइक जरूर से करें और हमारे चैनल पे नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।